सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को तब्दील कर दिया गया है। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को जिम्मेदारी से हटाने की मंजूरी वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने दी है। वजीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ पुलिस में मुख्तलिफ तबादलों की मंजूरी भी दी थी। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को तब्दील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उमर शेख को डिप्टी कमांडेंट पंजाब कॉन्स्टेबलरी तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से मारूफ सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी ने बड़े इंकशाफात किए हैं। उनका कहना है कि उमर शेख का तजुर्बा नहीं था, लेकिन उन्हें लाहौर में तैनात कर दिया गया। सीसीपीओ लाहौर का रवैया अपने सीनियर्स के साथ सख्त नामुनासिब था। आरिफ हमीद भट्टी का मजीद कहना था कि वजीर आजम इमरान खान को भी इस हवाले से आगाह किया गया था कि आपने जिस शख्स को लाहौर का सीसीपीओ लगा दिया है उसकी महकमे में साख अच्छी नहीं है। आरिफ हमीद भट्टी का मजीद कहना था कि उमर शेख सुबह के वक्त ऑफिस नहीं आते थे बल्कि वो रात के वक्त आया करते थे। आपको बताते चलें कि गुलाम महमूद डोगर नए सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। नए सीसीपीओ लाहौर आरपीओ फैसलाबाद भी रह चुके हैं। जराए ये बता रहे हैं कि गुलाम महमूद डोगर का कुछ अरसा कबल वजीर आला हाउस में इंटरव्यू भी लिया गया था। जराए ये भी बताते हैं कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के खिलाफ महकमा पुलिस में अफसरान की शिकायत मौसूल होती रहती थी।